इंसानों को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4500 से भी ज्यादा मुस्लिम परिवार अपने घर से बेघर होने के कगार पे है और इसी के लिए ये बड़ा प्रोटेस्ट आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस ऊंचे लेवल से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस कड़कती ठंड में। आप जान सकते हैं कि आप जो भी राज्य में है वहां पे क्या ठंड होती होगी, और उत्तराखंड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इस ठंड में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जितने भी लोग हैं, जो कि 4500 परिवार, 4500 से भी ज्यादा परिवार बताए जा रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने घर को लेकर। उनके घर को तोड़ने की, बुलडोजर चलाने की पूरा कार्रवाई जो है वो तैयारी हो चुकी है, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। 4500 से भी ज्यादा घर बताए जा रहे हैं, 4500 से ज्यादा परिवार, 4500 सिर्फ लोग नहीं, 4500 से भी ज्यादा परिवार वहां पे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा घर वहां पे 60 से 70 साल से वहां पे वो लोग रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली, पानी, जो कुछ भी बिल आता था, हर एक तरीका जो लीगल तरीका होता है उसे अपनाकर वो लोग वहां पे रह रहे थे, लेकिन आज वहां पे एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि 4500 परिवार जो है वो आज बेघर होने के कगार पे खड़ा हुआ है हल्द्वानी में। ये वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। नेशनल मीडिया में इसकी कहीं पे भी चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेशनल मीडिया बिल्कुल खामोश है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया जो है वो मुस्लिम एरिया बताया जा रहा है, पूरा का पूरा मुस्लिम एरिया है, और उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी जो है वो मतलब यूं समझ लीजिए कि हो चुकी है सरकार की तरफ से, और वहां से भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया गया है। अब देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें ये 4500 घर बर्बाद होते हैं, बेसहारा होते हैं, लाचार होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करता है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे वीडियो वहां से निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडिया में पूरा सन्नाटा है, आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से ये लोग परेशान है, किस तरीके से प्रशासन से, शासन से, सरकार से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। खत्म हो गया, हमारे दरमियाना भी खत्म हो गए, हम मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे उन्हें, बताओ। हम कहते हैं हमारी गुराई थी, हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम हाथ जोड़ के देते हैं। हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाइए? वीडियो देख लिया आपने, ये पहली बार ऐसा उत्तराखंड में नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी असम में आपको देखने को मिलेगा, असम में भी यही सब कुछ चल रहा था। उसके बाद आप देखिए उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में बताया ये जा रहा है, मोहम्मद जुबैर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, व्हाई इज नेशनल मीडिया नॉट कवरेज दिस, मतलब नेशनल मीडिया में आपको इसकी आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है क्लोज टू 4500 फैमिली इन हल्द्वानी में ये सारा का सारा जो है रेलवे इंकरेजमेंट के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि वहां पे रेलवे इंकरेजमेंट के नाम पे हजारों लोग जो है, उसमें बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सारे के सारे वहां पे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने। 4500 फैमिली है, 4500 फैमिली में एक फैमिली में आप मान लीजिए कि 5 लोग अगर रहते होंगे तो आप जोड़ लीजिए कि कितने सारे लोग जो है वो महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो वहां पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के रेलवे ने बताया कि ये जगह जो है वो हमारा है और इलीगल इंकरेजमेंट जो है वो उसे ठहरा दिया गया, जिसको लेकर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया। हाईकोर्ट के ऑर्डर को फिर से वहां पे मतलब जो वहां के लोग हैं रहने वाले, उन्होंने फिर से पिटीशन जो है वो दाखिल किया और बताया कि अब 1-2 तारीख को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, और अगर फैसला नहीं आता है
कि इसको रोकने का या फिर हो सकता है कि इस पे बुलडोजर चलाने का अगर फैसला आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये 4500 परिवार जो है वो कहाँ जाएंगे। इस मतलब इतना इतना भयंकर ठंड पड़ रहा है, और मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की ठंड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो वहाँ पे बैठे हुए उस ठंड में, कि इसलिए कि वो अपने घर को बचा सके, अपना जगह जमीन बचा सके। इसको लेकर मैंने आपको बताया कि नेशनल मीडिया में सन्नाटा है, और सन्नाटा क्यों है इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मामला यहाँ पे मुस्लिम से आकर मतलब रुक जाता है। अगर मुस्लिम नहीं होते तो ये मामला भी बहुत बड़ा होता, बहुत बड़े स्तर पे इसे नेशनल मीडिया दिखाता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कोई भी भनक नहीं है नेशनल मीडिया में। हम जैसे न्यूज़ चैनल वाले आपको दिखाते हैं, बताते कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, और वाकई में ये जो दर्दनाक प्रोटेस्ट जो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, रो रही है, बिलख रही है कि हमारा घर जो है वो हमें वापस कर दिया जाए। हम बिल्कुल उसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से बाकी सारे लोग रहते हैं, अपने घर का कागज है, सब कुछ है, बिल पेड करते हैं, पानी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, सब कुछ है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इनके ऊपर ये समझ लीजिए कि एक मुसीबत टूटी है। अब देखिए इस पे आगे क्या अपडेट होता है, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।